एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीस ईच टू 72 रुपीस पर डोजन। इन दोनों की हमें रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला क्या है, 6 रुपीस रुपीस की रेशियो फाइंड करनी है हमने। तो पहला 6 रुपीस है रेशियो, आगे क्या है जी, 72 रुपीस पर डोजन। 72 रुपीस पर डोजन, ठीक है। तो 72 रुपीस पर डोजन है, तो 72 / 12 करेंगे, ठीक है। अब ये 6 का 6 आ जाएगा और 72 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर ये भी 6 आ जाएगा। अब दोनों 6 हैं, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 1 6 और 6 1 6। इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹160 per meter टू ₹150 per meter, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, इधर ₹160 per meter ये रेशियो हमने फाइंड करनी है, तो रेशियो का साइन आएगा आगे, ₹150 per meter। इन दोनों की हमें रेशियो फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ सिर्फ नंबर्स को मेंशन करेंगे, 160 ratio 150। अब ये देखेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे इधर आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा 15। अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, लिहाजा ये इसका आंसर आ गया, सिंप्लीफाई में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹72 for 24 टू ₹4 each। जी पहला नंबर है हमारा ₹72 for 24 है, यानी कि 24 चीज़ों के लिए ₹72 हैं, टू के लिए हम रेशो का साइन यूज़ करेंगे, ₹4 each, ठीक है। अब ये 72 for 24 है, तो इसका मतलब ये है कि 72 को 24 करना है, और ये वाला 4 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 24 के टेबल में 72 का बात है, 3000 आता है, 24 3000, तो इसका मतलब इसका आंसर 3 आ जाएगा, रेशो इसका आंसर 4 आ जाएगा, तो ये इसका सिंप्लीफाई भी होगा, इसका आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्क्वायर ए हैज साइड 2 cm एंड स्क्वायर बी हैज साइड 6 cm, फाइंड द रेशो ऑफ, ठीक है। ये हमें दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्क्वायर्स पता है आपको ये वाले होते हैं, ये दो स्क्वायर दिए हुए हैं, ये समझ लीजिए हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास एक बी स्क्वायर है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो सारी 2 2 cm दी हुई हैं ए वाले की, और बी वाले की सारी साइड जो हैं वो 6 6 cm दी हुई हैं, ठीक है। तो इसके हमने ये 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी लेंथ को देखते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए की रेशो फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसकी लेंथ देखें कितनी दी हुई है हमें, ए की 2 cm, तो इसकी जगह हम 2 cm मेंशन कर देंगे आगे रेशो का साइन डाल के। तो इसकी कितनी दी हुई है हमें, 6 cm, तो इधर 6 cm। अब इन दोनों को मिनिमाइज कर लेंगे, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो इसका मतलब इसकी 1 cm से रेशो आ जाएगी 2 3 cm, ये साइड्स की आ जाएगी। नंबर 2 है दी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। जी पेरीमीटर अब इनका फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेशो टू पेरीमीटर
ऑफ बी। अब तो पैरीमीटर का जो फार्मूला होता है, हमने ये जो इसकी साइड होती है इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर मल्टीप्लाई टू, और इसकी साइड को भी फोर से मल्टीप्लाई कर देना है, फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स, ये फोर टू आर एट आ जाएगा और ये फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर आ जाएगा। अब इन दोनों को मिनिमाइज़ करना है, एट वन आर एट, एट थ्री आर ट्वेंटी फोर, तो ये इनकी जो है ना वो हमारे पास रेशो निकल आएगी, वन रेशो टू थ्री। अगर ये एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, तो एरिया ऑफ ए रेशो टू एरिया ऑफ बी। अब ये एरिया का फार्मूला आपको पता है, जो साइड्स को एरिया जो होता है वो, ये जो साइड दी हुई है इनका स्क्वायर होता है, ठीक है, इसकी साइड टू है उसका स्क्वायर ले लिया, इसकी साइड सिक्स है उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब टू टू आर फोर, जब स्क्वायर ओपन करेंगे सिक्स सिक्स आर थर्टी सिक्स, अब इनको मिनिमाइज़ कर लेंगे तो फोर वन आर फोर, फोर नाइन आर थर्टी सिक्स, तो इस तरह ये जो है ना इसका एरिया आ जाएगा वन रेशो नाइन।